Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh, my dear brothers and sisters. Welcome to my YouTube channel, The Knowledge Bank. इस वीडियो में हम ख़ास करके जो बारिश आ रही है, गुलाब तूफ़ान, उसके बारे में हम इस वीडियो में तफसील से कुछ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इंटर का क्या अपडेट दिया है. नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो भी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या अपडेट आया है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट यहाँ पे जो अभी के लिए, आज दो तीन दिन के लिए जो ज़्यादा अपडेट हुए, भारी बारिश बोल के यहाँ पे एक वार्न दिया गया है गुलाब तूफ़ान की वजह से. कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे भारी बारिश होने के चांसेस हो बोल के ऑलरेडी यहाँ पे इंटीमेशन है. तो 14 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे रेड अलर्ट जोन में है, रेड अलर्ट 14 डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होंगी. बल्कि उसमें निर्मल, निज़ामबाद, कामारेड्डी, जगतियाल, सिरसिला, सिद्धिपेटा, पेतपल्ली, करीमनगर, जनगामा, वरंगल, हनुमकोंडा, महबूबाबाद, खम्मम, कोतेगुडम डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में है बल्कि कहा जा रहा. तो यहाँ के लोग बहुत केयरफुल रहना और अलर्ट रहना बल्कि यहाँ पे ये वार्निंग भी रिलीज़ हुआ है. और रेन अलर्ट यही नहीं बल्कि हैदराबाद में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये भी तेलंगाना का हिस्सा है. हैदराबाद में जो प्रेजेंट बारिश हो रही हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे सीएम केसीआर सर ने ऑलरेडी सीएस सुमेश कुमार के साथ बातचीत भी की है, और इस तूफ़ान की वजह से जो भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है, सभी कलेक्टर्स को ऑलरेडी हिदायत दी गई है कि सब लोग अलर्ट रहें बल्कि कहा गया है. और साथ ही साथ NDRF के जो टीम है वो भी अलर्ट रहना बल्कि क्लियरली मेंशन किया गया है. तो ये इस तूफ़ान की वजह से मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स है वो सारे के सारे पोस्टपोन्ड हो चुके हैं. जो भी एग्ज़ाम्स है वो सारे के सारे पोस्टपोन्ड हो चुके हैं. तो यहाँ पे कौन से यूनिवर्सिटी ने अभी तक ये रिलीज़ किया है आप देखेंगे. इस तूफ़ान की वजह से महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, राष्ट्रमंडल कुरुस्तुन भारी वर्ष ने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के रीजन में एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन्ड हुए हैं. ये महीने की 28-29 को होने वाले जरगनुन्न डिग्री MBA MCA పరీక్షలు వాయిదా వేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ మేనేకి 28-29 को MBA MCA के जो एग्ज़ाम्स थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं. 30 के दिन जो एग्ज़ाम होने का था उसको पोस्टपोन नहीं किया गया है, यानी सिर्फ 28-29 दो दिन के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है. 30 का एग्ज़ाम एज यूजल रहेगा, बल्कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी जारी किया गया है. तो नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जो भी पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम हो रहे उसको जल्दी रिशेड्यूल करेंगे बल्कि कहा जा रहा है. उसी तरह JNTU का भी यही यहाँ पे है. बारिश की वजह से JNTU के BTEC बी फार्मेसी कोर्सेज के एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, इसको जल्दी रिशेड्यूल करेंगे बल्कि कहा गया है. जो कल से रेपन जरगल सीना परीक्षा यथातथा निर्वहिस्तानी पेरकुनार, कल से जो एग्ज़ाम्स होंगे उसको एज इट इज़ हम रखेंगे बल्कि यहाँ पर ये भी कहा गया है मैक्सिमम. तो यहाँ इंटर विद्यार्थियों प्रथम परीक्षा टेंशन बहुत ज़्यादा, फर्स्ट ईयर के बच्चे जो है जिनको अभी शेड्यूल रिलीज़ किया गया वो बहुत ज़्यादा बच्चे टेंशन ले रहे हैं एग्ज़ाम्स के. वरी होने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर एक प्लान से आप पढ़िए, क्योंकि हमको प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपरली उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लान तो किए बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमको यहाँ नुकसान हो सकता. तो जो भी बच्चे अभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बेझिझक बिना डरे एग्ज़ाम अटेंड कीजिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पे जो भी कॉलेजेस रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं आप रिवीजन भी कीजिए, और यहाँ पे 1.5 मंथ जो भी ब्रेक होएगा प्रॉब्लम नहीं है. इनकेस अगर से गवर्नमेंट बच्चों के फेवर में, आपके फेवर में डिसीजन लेंगे तो वो डेफिनेटली सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बेस पर रखेंगे, बट अभी वैसा कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पर आपकी तैयारी जारी रखें. गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ ये है कि इंजीनियरिंग बी फार्मेसी में सीट है तो फीस नहीं रहेंगी बल्कि कहा जा रहा, क्योंकि इससे पहले रैंक जो भी बच्चे कम लाए, 10,000 के नीचे लाए, उनको ये रिएम्बर्समेंट होता था. अभी यहाँ पे गवर्नमेंट के, यानी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज हो या रेजिडेंशियल गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट हो, उस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि वो बच्चों को कितना भी रैंक आने दो, रैंक को तो संबंध में लिखा, यानी रैंक से यहाँ पर कुछ भी दखल अंदाजी ना करते हुए फीस प्रभुत्व में चलिस्तुंजी, जो भी फीस है वो गवर्नमेंट ही बनेंगी बल्कि यहाँ पे कहा गया है. ये न्यूज़ मैंने कल भी कवर की थी. तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है इंजीनियरिंग बी फार्मेसी BR के BR का आर्किटेक्चर कोर्सेस में सीट बच्चों को पाने के लिए. तो मैं यही कहना चाहता हूँ तमाम उन गवर्नमेंट बच्चों को कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कीजिए, हायर स्टडीज़ को पढ़िए, आगे बढ़िए. लाइफ में बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि ओनली 10th क्लास या इंटर इतना पढ़ लिए काफ़ी है. इट इज़ नॉट इनफ, वी हैव टू मूव
ahead and we no need to worry by seeing these hurdles. These are common, ye common hai. To aap koshish kijiye ki aage badhne ki. Mujhe ummeed hai ki chhota sa info aapko pasand aayega. Have a great day. Phir milenge kisi aur video mein hum ek acche information ke sath.